हालत ऐसी हो गई, पूरी बॉडी पे पसीना आ गया, बॉडी ठंडी हो गई, बॉडी महसूस होनी बंद हो गई, ऐसा लग रहा था आज तो गई। आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ। मतलब मुझे वो फुल ऑन अनारकली वाले वाइब्स आ रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, तो रूरू का आउटफिट आ चुका है, मेरा आउटफिट भी आ चुका है। वेरी एक्साइटेड, मैं आज आपको दिखाऊंगी कि रूरू का वेडिंग आउटफिट कैसा लग रहा है। आई मीन इट इज लुकिंग सो प्रिटी, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। पहन के दिखाऊंगी अभी रूरू, मतलब पहना के दिखाऊंगी रूरू का। और रूरू भी जग गई है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हेलो लिटिल बंदर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर? ये बंदर, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे बाबू। इतनी प्यारी क्यों हो? लौट गए हो? आलसी हो रही हो इतनी छोटी से? नए कपड़े आ गए हैं आपके? रूरू के क्लोथ्स कहाँ हैं? क्लोथ्स, क्लोथ्स बताओ, क्लोथ्स कहाँ हैं? न्यू क्लोथ्स कहाँ हैं? यहाँ नहीं है क्लोथ्स। क्लोथ्स, क्लोथ्स कहाँ हैं? क्लोथ्स। अच्छा सुनो, सुनो मेरे बात। गुड मॉर्निंग पुच्ची, कौन देगा पुच्ची? दे दो ना। दिस इज गुड मॉर्निंग। कुछ खाना? अरे अरे अरे, अभी तो मेरा बाइसेप आया भी नहीं ढंग से। कुछ खाने चले, भूख लग ली है। चलो चलो, गुड मॉर्निंग छोटा बेबी। तो आज रूरू पहली बार क्या खाएगी? सिंघाड़े, बॉइल सिंघाड़े। खाए तुमने कभी? नहीं खाए ना अभी तक। चलो आज हम टेस्ट करेंगे। चलो खाओ, तो टेस्ट करो। क्या अच्छा है? मम्मा को तो बहुत पसंद है, आपका नहीं पता मुझे। अगर आपने दूसरा बाइट लिया तो आप खा लोगे। डिनाई कर रही हूँ, खा ले बीजा। अच्छा लग रहा है, खा लोगे? ओए मचकू, चप्पल तो पहन ले। खा रहा है? खा रहा है, खा ले, खा लो। तो क्योंकि जाना है 2 तारीख को शादी में, तो मुझे ना आईब्रो बनवाने जाना है और वैक्सिंग भी करानी है। हाथों की हालत देखो, तो बस मैं वही कराने जा रही हूँ। मैंने खाना बना के इन सबको खिला दिया है, तो मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ अभी, तो इसलिए मैं जल्दी से जाती हूँ और ये जल्दी जल्दी काम खत्म करवा के आती हूँ, क्योंकि आके फिर मुझे एक वीडियो शूट करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला फेशियल करवा रही हूँ मैं, O3+ का D10 फेशियल। चलो लेके चलते हैं इसे और करवा के आते हैं जल्दी जल्दी। तो ये रही हमारी रूरू की ड्रेस, जो बन के रेडी हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। बिल्कुल मैचिंग है मेरी ड्रेस से ये, उसमें से कपड़ा बचा था तो हमने बनवा लिया। इसमें शायद कैमरा में आपको रेड लग रही हो, बट ये पिंक कलर की है, बहुत ही सुंदर। आज रूरू को ना इसको ट्राई करवा के देखेंगे साइज़ वगैरह सब ठीक है कि नहीं, बट बहुत ही प्यारी सी लग रही है। और ये है मेरी ड्रेस, देखो बिल्कुल सेम है दोनों की, और मेरा भी ऐसे अनारकली है और उसका भी। बस मेरे ना ये एक एक्स्ट्रा दुपट्टा जो कि मैंने डाई करवा के इसके साथ ऐड करवाया है। तो मैं पार्लर से दोबारा वापस आ गई हूँ घर पे, क्योंकि अभी वो किसी का कर रही है और वो कह रही है कि भी 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो बना लूँ जब तक, क्योंकि वो ज़रूरी है। पहले वीडियो बनाऊंगी फिर उसके बाद चलेंगे आज फेशियल कराने। सो दिस इज़ माई फाइनल आउटफिट, और मैंने कुछ ऐसा लुक क्रिएट किया है, बालों को हल्का सा कर्ल किया है। दिस इज़ द प्रिटी मेकअप, पिंक एंड हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है। एडेड दिस नेकलेस, और सबसे ज़रूरी मेरा कुर्ता दिखाती हूँ। तो दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग, और बहुत सुंदर लुक आ रहा है। लुक एट द फिटिंग एंड एवरीथिंग, कितना प्यारा लग रहा है। स्पेशली बैक बहुत सुंदर लग रहा है इसका, मतलब मुझे वो फुल ऑन अनारकली वाले वाइब्स आ रहे हैं। आई मीन लव विद दिस, मुझे नहीं लगा था इतना प्यारा आउटफिट निकल कर आएगा, बट लुक एट इट हाउ रॉयल इट इज लुकिंग। नहीं मैं सोच रही हूँ शादी में यही पहनूँ, अच्छा लगेगा। नहीं सबसे अच्छी बात है बहुत कंफर्टेबल, आराम से डांस कर पाऊंगी, और सर्दी है, वेलवेट का कपड़ा है तो ठंड भी नहीं लगेगी मुझे उतनी। वैसे इसका पूरा वीडियो डिटेल, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, कितने पैसे लगे, कौन से टेलर से बनवाया, कहाँ से फैब्रिक लिया, उसका वीडियो मेरे चैनल पर आएगा, आप देख लेना, प्लीज चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट लविंग दिस आउटफिट, मैं इसके सिनेमैटिक्स डालूंगी रूरू के साथ, आप देखना बहुत अच्छे लगेंगे। साथ साथ मैं आपको एक टोटल कॉस्ट बता देती हूँ
एक कॉस्टिंग मुझे पड़ी है लगभग इस कुर्ते के पूरे दुपट्टे के साथ इस 3100 और 3100 रुपए में ऐसा सूट इतना हैवी लुकिंग मुझे नहीं मिल सकता था. एंड इट इज़ ऑफ वेलवेट. सबसे बड़ी बात, वेलवेट अगर आप लेने जाते हो ना मार्केट में कुछ बना बनाया हेल एक्सपेंसिव. तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ दिस टाइम एंड इट इज़ लुकिंग अमेजिंग. सो रूरू के आउटफिट में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो ये है कि वो लोग ना इसमें वो देना भूल गए चेन साइड में, या और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी फिटिंग का बनाया रूरू की यहाँ से जैसे मेरा बनाया, लेकिन उसका गला इतना डीप नहीं है तो वो उसको पहन नहीं पा रही है अभी. सो इसमें मुझे चेन अटैच करवानी पड़ेगी बैक में सो दैट शी कैन ईजिली वेयर इट. बट बड़ा अभी आना लगेगा आई थिंक साथ में हम दोनों. तो आज के दिन की कहानी बहुत अलग रही है. मैं दोबारा गई वहाँ पर फेशियल करवाने, बट उन्होंने बोला कि आप कल आना. मैंने बोला ठीक है. वहाँ से आके मैं सिर्फ एक बार ऊपर आई हूँ और नीचे जाके मैं एडिटिंग करने बैठी ही थी. बैठते ही सिर्फ मैंने एक ही क्लिप एडिट किया था और उसके बाद मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ पेट में, इट वॉज अनबेरेबल. और मैं जैसे जैसे ऊपर आई मुझे लगा शायद वॉशरूम की वजह से ना हो रहा, बट वो बहुत एक्सट्रीम था. वॉशरूम गई, वॉशरूम में बैठी तो हालत ऐसी हो गई पूरी बॉडी पे पसीना आ गया, बॉडी ठंडी हो गई, बॉडी महसूस होनी बंद हो गई, ऐसा लग रहा था आज तो गई. फिर एकदम से वॉमिट आई तो थोड़ा सा बेटर लगा, बॉडी जो सुन थी वो थोड़ी बेटर हुई. फिर मैं बाहर आई, लेट गई यहाँ पे, दर्द होता रहा पेट में बहुत भयानक. और फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मुझे नहीं पता रहा मैं कहाँ पे लेटी हुई, 2-3 घंटे कैसे चले गए नहीं पता चला. फिर दिवेश ने बोला डॉक्टर के पास चलो क्योंकि तुम ऐसे ठीक नहीं होगी. उस टाइम भी दिवेश ने बोला डॉक्टर के पास चलो, बट मैं चल ही नहीं पा रही थी. इट वॉज लिटरली वेरी हर्टिंग. और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर ने पूछा एक आध चीज़ों की नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते हो? मैंने कहा नॉनवेज तो नहीं खाती हूँ मैं. उन्होंने बोला फिर भी आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ. सो डॉक्टर रिकमेंडेड अल्ट्रासाउंड क्योंकि मैंने वो सिचुएशन बताई कि पहले मुझे स्वेलिंग थी, 2 हफ्ते तक प्रॉब्लम रही है मुझे पीरियड्स में भी. तो उन्होंने बोला बेटा स्वेलिंग है आपको अभी भी शायद, तो आप एक बार करवा के देखो अल्ट्रासाउंड, उसके बाद कोई प्रोसीडिंग होगी. और अभी आप दवाई लो, थोड़ी बहुत दवाई दी उन्होंने 2 दिन की. अनएक्सपेक्टेडली आज का दिन जितना प्रोडक्टिव सोचा था उतना हो नहीं पाया और बैंड बज गया. अभी मुझे काफ़ी पेन है, मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है एंड इट्स अ काइंड ऑफ गैस जो बनी, शायद टकराई, मुझे नहीं पता क्या हुआ. बट वो इंसिडेंट वॉशरूम में ऐसा था कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे. मैं दिवेश को बुला रही थी पर मैं बोल नहीं पा रही थी, ऐसी हो गई थी मेरी बॉडी. एंड आई वाज लाइक बेटा यू आर डन टुडे. बट चलो पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे. बस कोई मेजर हेल्थ इशू ना हो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कोई हेल्थ इशू अफोर्ड नहीं कर सकती यार. मतलब मेडिकल इंश्योरेंस है मेरा, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ करियर, बिकॉज इट्स द पीक ऑफ माई करियर काइंड ऑफ एंड I'm working really hard, so I can't. I hope कि सब ठीक हो बिकॉज अभी मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई हैव टू डू मैनी थिंग्स अभी. सो लेट्स सी वॉट हैपन्स टूडे. अभी पेन है काफ़ी. मैं मेरे साथ क्या होता है ना, वैसे तो मैं खूब पुश करती हूँ अपने आपको, बट वेन इट कम्स टू माई बॉडी और मुझे कुछ हो जाता है ना तो मुझे डर बहुत जल्दी लगने लगता है कि कुछ हो गया तो हाउ आई विल मैनेज, हाउ पीपल अराउंड मी विल सफ़र. तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए इरिटेटिंग हो जाती है. बट बाकी चलो ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वेलिंग ही और ठीक हो जाए दवाई खा के. मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि बस, बिकॉज जितना पैसा इंपॉर्टेंट है उतनी आपकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आसपास के लोग तो आपसे उसी सारे जी रहे ना. सो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी.